morning student, I am your chemistry teacher. Now start the next question. Distinguish between element and compound with one example of each. ये आपका CPC 2010 में आया स्टूडेंट, तो इतनी सबको एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है. क्लियर नॉट? नाउ इट्स आंसर इज एन एलिमेंट कैन बी ब्रोकन इंटू सिंपल और स्मॉलर कंस्टिट्यूंट्स. क्लियर? तो इट मीन्स आप एलिमेंट को देखिए, एलिमेंट पहले ही सिंपल फॉर्म में है, आप उसे और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में और स्मॉल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते. क्लियर नॉट? वो पहले से सिंगल फॉर्म में है. क्लियर? बट अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन एज अ रिजल्ट केमिकल रिएक्शन और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. तो इट मींस आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू या कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको डिफ्यूज करके स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एलिमेंट, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड. तो इट मीन्स सोडियम एज अ एलिमेंट एंड सोडियम क्लोराइड क्या है? कंपाउंड है. क्लियर नॉट दिस आंसर? ओके, तो इट मीन्स एलिमेंट आपके पास पहले से सिंगल फॉर्म में है, जबकि कंपाउंड आपके पास टू या मोर आपके पास कॉम्बिनेशन में होंगे. क्लियर हो गया? एलिमेंट को आप पहले से स्मॉलर फॉर्म में है तो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते स्मॉलर पार्ट में, जबकि कंपाउंड आपके पास क्या है? कॉम्बिनेशन फॉर्म में है तो आप उसको सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे. जैसे एग्जाम्पल में नीचे दे रखा है, सोडियम आपके पास एलिमेंट हो गया सिंपल फॉर्म में, जबकि सोडियम क्लोराइड आपके पास कंपाउंड है. आर यू क्लियर दिस आंसर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन टेक्निक्स फॉर द फॉलोइंग. तो इट मीन्स फर्स्ट आपके पास मर्करी एंड वाटर. तो इट मीन्स मर्करी और वाटर का आपके पास एक मर्करी दे रखा है, दूसरा वाटर दे रखा है, इन दोनों को आपको क्या करना है? सेपरेट करना है. नेक्स्ट कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू इंक. तो इट मीन्स कलर कॉम्बिनेशन पे आपके पास ब्लू कलर की इंक है, सो उसको सेपरेट करना है. क्लियर हो गया? ब्लू कलर की इंक से आपने कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट कर देना है. नेक्स्ट है बेटा अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड. तो इट मीन्स फर्स्ट दे रखा आपको अमोनियम क्लोराइड, सेकंड दे रखा पोटेशियम क्लोराइड, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आपको सेपरेट करना है. नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर. ये क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में भी आया है, 2011 में भी आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप मर्करी एंड वाटर को सेपरेट कैसे किस मेथड से कर रहे हैं. देखिएगा, द सेपरेशन कैन बी डन बाय द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल्स. मर्करी फॉर्म्स द लोअर लेयर हैवियर एंड वाटर द अपर लेयर लाइटर. तो इट मीन्स आपके पास एक क्या लगा लोगे आप? फनल लगाएंगे, जिसमें आप क्या रखोगे? इसमें मर्करी और वाटर के मिक्सचर को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो इट मीन्स आपने एक टेस्ट ट्यूब टाइप की होती है, ग्लास की, एक रॉड टाइप की होगी, जिसमें आप इस दोनों के मिक्सचर को फिल कर दोगे, मर्करी एंड वाटर के मिक्सचर को फिल कर दोगे. तो फिल करने के बाद बेटा क्या होगा? जो आपके पास जो हैवी होगा वो आपके पास लोअर में आ जाएगा, और जो आपका लाइटर पार्ट होगा वो अपर लेवल में आ जाएगा. तो मर्करी और वाटर में से देखिएगा, आपके पास जो मर्करी होगा वो लोअर लेयर में आ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी है. तो इट मीन्स आपके पास जो मर्करी है लोअर में आ जाएगा, जबकि आपके पास अपर लेयर में क्या आएगा? वाटर. तो इट मीन्स यहाँ पर मर्करी ज़्यादा हैवी होता है एज अ मेटल्स के फॉर्म में. पता है ना आपको, मर्करी एक ऐसी मेटल्स है जो आपके लिक्विड स्टेट में होती है. क्लियर? तो इट मीन्स आपके पास मर्करी हैवी होता है तो नीचे लोअर लेयर में, और दूसरा वाला क्या आएगा? अपर लेयर में आ जाएगा. ठीक है, फिर आप क्या करोगे? सेपरेट कर लोगे वन लेयर, फिर सेकेंड लेयर को रिमूव कर लोगे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर. नेक्स्ट है बेटा कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू इंक. तो इट मीन्स आप क्या करोगे? देखो, कलर कंपोनेंट को ब्लू इंक में से निकालने हैं, तो ब्लू कलर की इंक है तो इसमें से कलर सेपरेट करो. द सेपरेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी. तो क्रोमेटोग्राफी मेथड हमेशा कलर में लगती है. ठीक है, जितने भी कलर फॉर्मेशन होते हैं वो सब क्या होते हैं आपके पास? क्रोमेटोग्राफी मेथड से होंगे, जितने भी आपके पास कलर फॉर्मेशन के आएंगे. क्लियर? नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड. तो इट मीन्स आपके पास एक फर्स्ट देखा अमोनियम क्लोराइड, सेकंड देखा पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों को आपको सेपरेट करना है. क्लियर हो गया? तो इसका आंसर देखिए, सी का आंसर देखिए, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट एज अ सब्लिमेट विद पोटेशियम क्लोराइड. तो इट मीन्स आप सब्लिमेशन, अच्छा सब्लिमेशन प्रोसेस होती है क्या, पहले ये जानेंगे. तो सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जैसे आप देखो घरों पे आपके पास कपूर होता है, तो आप जैसे इसको बर्न करते हो, जलाते हो, तो ऑटोमेटिक गैसेस फॉर्म में आ गया. तो इट मीन्स इट्स टाइप ऑफ सॉलिड. क्लियर? इट्स टाइप ऑफ सॉलिड, इट मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में था विथाउट कमिंग इन वाटर फॉर्म. तो वाटर फॉर्म में नहीं आएगा, डायरेक्टली चेंज टू गैस स्टेट. तो डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा? गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा. दिस इक्वेशन नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस. क्लियर नॉट? तो सब्लिमेशन के प्रोसेस समझ में आई. सब्लिमेशन की प्रोसेस ये होती है कि आपके पास सॉलिड पार्ट है, वो बिना आपके पास किस फॉर्मेशन में आए? बिना लिक्विड में आए, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में. दिस प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन. क्लियर ऑर नॉट? तो इसमें प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट एज अ सब्लिमेट विद पोटेशियम क्लोराइड रिमेन इन द डिस्क. तो इट मीन्स आपके पास एक आपके पास करें ना वह पोटेशियम क्लोराइड एक डिस्क में रह जाएगा आपके पास, जबकि आपके पास सब्लिमेशन प्रोसेस से आप अमोनियम क्लोराइड को कलेक्ट कर लोगे.
क्लियर नॉट। नेक्स्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप एल्कोहल और वाटर को रिमूव करने की प्रोसेस है। अच्छा, एल्कोहल और वाटर में दोनों बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, याद रखिएगा। अच्छा, हमने आपको डिस्टिलेशन के प्रोसेस बताए थे, डिस्टिलेशन में दोनों हमने बताया था कि लिक्विड लिक्विड होते हैं, तो एक एल्कोहल है दूसरा वाटर है, दोनों लिक्विड है और दोनों का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या है, हायर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी यूज, तो इसमें कौन सी लगेगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगेगी, एल्कोहल इथाइल एल्कोहल विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड और 351 केल्विन गेट डिस्टिल्ड लिविंग बिहाइंड वाटर विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। क्लियर नॉट। तो इट मीन्स बेटा जब हम ये प्रोसेस को करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, आपके पास दो लिक्विड है तो दोनों के आपके पास ये करें लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। जैसे आप उसको बॉइल करते हो जो आपके पास क्या होगा, बहुत कम टेम्परेचर में बॉयल होने वाला होगा, जल्दी से आपके पास इवेपोरेट हो जाएगा, जबकि जो सेकंड वाला है जो हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास जो आपके पास कंटेनर है उसमें ही रह जाएगा। तो इट मींस दिस प्रोसेस नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर नॉट। तो इट मींस इसमें क्या थे, दोनों आपके पास क्या थे, देखो मेन चीज क्या है, दोनों आपके पास क्या थे, लिक्विड लिक्विड फेस में थे, सेकंड थी आपके पास बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंशिएट था, बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंशिएट नहीं होता दोनों एक साथ उड़ जाते, ठीक है, एक साथ इवेपोरेट हो जाते। इट मींस तो इट मींस फर्स्ट वाले में आपके पास एक लिक्विड आपके पास इवेपोरेट होगा और सेकंड लिक्विड एज इट इज ऐसी रहेगा, क्योंकि उसको ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। जो कम टेम्परेचर में इवेपोरेट हो गया देन वो तो आपके पास रिमूव हो जाएगा, जो हायर टेम्परेचर में होगा एज इट इज रेस्ट फॉर्म में रह जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर, क्लियर। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टूड नाउ यू विल बी डिस्कस नाउ अगेन एंड अगेन, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिए, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ सुगर्स इन 480 ग्राम ऑफ वाटर। तो इट मींस यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 60 ग्राम ऑफ सुगर है और 480 ग्राम ऑफ वाटर, तो इट मींस सुगर आपका सॉल्यूट होगा क्योंकि लेस अमाउंट में है, एंड 480 ग्राम ऑफ वाटर तो इट मींस सॉल्वेंट होगा जो लार्ज अमाउंट में। क्लियर नॉट। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इट मीन्स आपको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास, इट मीन्स मास परसेंटेज आपको सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आपको सबसे पहले आंसर में देखिएगा क्या क्या गिवन आपको, सबसे पहले मास ऑफ सुगर इट मीन्स सॉल्यूट दे रखा आपको 60 ग्राम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा आपको दे रखा है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इट मीन्स वाटर दे रखा आपको कितना, 480 ग्राम। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको क्या मिल गया, सॉल्यूट मिल गया, सॉल्वेंट मिल गया। तो इट मीन्स आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 60 प्लस 480 तो ओवरऑल आपके पास 540 ग्राम, ये आपके पास सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि हमने आपको पहले से ही बताया था कि सॉल्यूशन आपके पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करके बनता है। क्लियर। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फॉर्मूला है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज इज इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट होल अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पे देखिए सॉल्यूट आपके पास लेस अमाउंट में 60 ग्राम था, होल अपॉन में आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है जो आपके पास ऐड करके आया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो इट मीन्स दोनों को ऐड करके आपके पास देखिए 60 आपके पास गिवन था, आपके पास सॉल्यूट था, 480 आपके पास क्या था, सॉल्वेंट था, तो दोनों को आपने ऐड कर लिया तो आपके पास ओवरऑल आपके पास कितना आ जाएगा, 540 दिया जाएगा सॉल्यूशन। तो 60 ग्राम अपॉन में 540 ग्राम मल्टीप्लाई 100 करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर। फर्स्ट में आपके पास याद रखेगा कि आपको सॉल्यूट दे रखा है 60 ग्राम, सॉल्वेंट दे रखा है 40 ग्राम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मास निकालेंगे टोटल सॉल्यूशन का तो 60 प्लस 480 करेंगे 540 ग्राम। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट होल अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे देन यू गेट योर आंसर। बेटा आइडेंटिफाई द डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्शन मीडियम इन द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कोलॉइड। तो इट मींस यहाँ पर आपके पास डिस्पर्स स्पेस इट मींस सॉल्यूट बताना है, डिस्पर्शन मीडियम इट मींस आपको सॉल्वेंट बताना है। क्लियर। तो आपको एग्जांपल दिए गए हैं फॉग, चीज, कलर, जैम, स्टोन। क्लियर। तो सबसे पहले फॉग की बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम में आए हुए। क्लियर। CBSE 2011 में आया क्वेश्चन। तो फॉग में आपके पास देखिए फॉग जो है आपके पास, ठीक है, इसमें आपके पास लिक्विड जो होगा लेस अमाउंट में होगा, तो इसका आंसर देखिए फॉग लिक्विड वाटर ड्रॉप्स एक्ट एज डिस्पर्स फेस, तो इट मीन्स लाइक एक्ट एज अ सॉल्यूट, एंड गैस एंड एयर एज द डिस्पर्स मीडियम बिकॉज इट्स कंटेन लार्ज अमाउंट। क्लियर। तो इट मीन्स यहाँ पर लिक्विड लेस अमाउंट है तो डिस्पर्स फेस, एंड सेकेंड वन है एयर, ये आपके पास ग्रेटर अमाउंट में होगा डिस्पर्शन मीडियम। आई होप यू अंडरस्टूड। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा चीज,
तो चीज़ में आपको पता है सॉलिड फैट एक्ट एज अ डिस्पर्स फेस एंड वाटर लिक्विड एज अ डिस्पर्शन मीडियम। जब चीज़ देखते हैं तो उसमें जो सॉलिड पार्ट है ठीक है वो लेस अमाउंट में होता है चीज़ में, ठीक है। तो इट मीन जो सॉलिड पार्ट में है वो आपके पास सॉल्यूट होगा और सेकेंड वन वाला आपके पास सॉल्वेंट होगा, क्लियर। नेक्स्ट है कलर जेम स्टोन, तो इसका आंसर क्या है, देखिए जो कलर्ड जेम स्टोन से आपके पास सॉलिड एक्ट एज अ डिस्पर्स फेस, जो सॉलिड पार्ट है वो कम होता है तो इट मीन्स सॉल्यूट हो गया एज वेल एज डिस्पर्स मीडियम, और वही आपके पास सी के अंदर क्या होता है आपके पास, देखिए वही आपके पास डिस्पर्स मीडियम होगा। यहाँ पास सॉलिड की बात कही है, सॉलिड आपके पास डिस्पर्स फेस और सॉलिड में ही आपके पास डिस्पर्शन मीडियम भी होगा, क्लियर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इट मीन्स बेटा इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपके पास क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम बताना है। तो आपने फॉग चीज कलर जेम स्टोन के बारे में पढ़ा, तो फॉग के बारे में मैंने बताया था, लिक्विड आपके पास लेस अमाउंट में है, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे तो ये आपके पास डिस्पर्स फेस होगा, दूसरा एयर है ये ग्रेटर अमाउंट में है तो डिस्पर्शन मीडियम हो गया, जो लेस अमाउंट में होता है हमेशा सॉल्यूट होता है, जो ग्रेटर अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट चीज़ की बात की, चीज़ आपके पास सॉलिड फैट एक्ट एज अ डिस्पर्स फेस एंड वाटर लिक्विड एज अ डिस्पर्शन मीडियम, क्लियर। नेक्स्ट है कलर जैम में कहा सॉलिड एक्ट एज अ डिस्पर्स फेस एज वेल एज डिस्पर्शन मीडियम, तो कलर जैम जो आपने छोटे छोटे दाने देखे होंगे कलरफुल बॉल्स टाइप के देखिए, यही आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है, उसी में आपके पास क्या है डिस्पर्स फेस होगा, उसी में डिस्पर्शन मीडियम, दोनों सॉलिड सॉलिड फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इट मीन्स आपको डिफरेंशिएट बताना है, एक तो सिंपल डिस्टिलेशन होता है एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। बेटा ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनके माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देखो दोनों डिस्टिलेशन के प्रोसेस है बट सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इफेक्ट क्या है, इट मीन्स डिफरेंशिएट क्या है दोनों में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके पास क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कह रहे हैं इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज्ड व्हाइल नो सच कॉलम इज नीडेड इन सिंपल डिस्टिलेशन। तो इसमें डिफरेंशिएशन में फर्स्ट डिस्टिलेशन ये है कि आपके पास कॉलम, ठीक है, कॉलम फॉर्म आप यूज करते हो उसका, ठीक है, ताकि आपके पास इवापोरेशन, जो भी आप वाटर को इवापोरेट करेंगे, देखिए ये डिस्टिलेशन का यूज हमने आपको पहले बताया कि टू लिक्विड में काम करते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट कंडीशन है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंशिएट होना चाहिए, क्योंकि जब आपको उसको इवापोरेट करते हो तो जो आपका लेस, ठीक है, लेस टेम्परेचर में इवापोरेट हो जाएगा वो तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है, और जो सेकेंड वाला बचेगा वो लार्जर अमाउंट में होगा, ठीक है, इट मीन्स वो आपके पास रेस्ट फॉर्म में बच जाएगा, ठीक है। डिस्टिलेशन समझ में आ गया आपका प्रोसेस। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कह रहे हैं कि आपके पास एक कॉलम का यूज़ करते हैं, ठीक है, जबकि सेकेंड वाले में आपके पास, ठीक है, जो सिंपल डिस्टिलेशन में उसमें कॉलम का यूज़ नहीं होता है। कॉलम मीन्स एक रॉड होती है पतली सी, ठीक है, ग्लास ट्यूब यूज़ होती है, उसे कॉलम स्ट्रक्चर में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है देखिए सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स डिफर इन दियर बॉइलिंग पॉइंट बाय मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इट मीन्स हमेशा सिंपल डिस्टिलेशन तभी यूज होगा जब उनका टेम्परेचर, जो दो लिक्विड आप यूज करोगे उन दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ग्रेटर में आएगा। तो इट मीन सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड डिफर इन दियर बॉइलिंग पॉइंट बाय मोर देन 25। तो इट मीन्स इधर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही होगा, द डिफरेंस इज लेस देन दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज। और सेकेंड केस में कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर लेस भी होगा तब भी आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज हो जाए। तो आपको फर्स्ट और सेकेंड समझ में आया, फर्स्ट वाले में आपके पास कॉलम की बात कही की है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कॉलम यूज होगा जबकि आपके पास क्या है सिंपल डिस्टिलेशन में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट वाले में आपसे बात कर रहे हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन क्या करें कैन बी यूज टू मिसिबल लिक्विड जबकि उनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होना चाहिए मोर होना चाहिए तभी आपके पास होगा, जबकि सेकेंड वाले की बात की जा रही है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस भी होगा तो आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप इजीली आप यूज़ करके उसको सेपरेट कर लोगे, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ सॉल्यूशन, सबसे पहले आपके पास कह रहे हैं डिफाइन अ सॉल्यूशन, तो इट मीन्स आप इसको डायरेक्टली भी आप, ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास डिफाइन अ सॉल्यूशन है, आगे देखिए इफ़ 10 ml ऑफ H2SO4 आर डिजॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दिस क्वेश्चन आर कमिंग इन CBSE बोर्ड 2011, नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन कहेंगे व्हेन अ सॉल्यूट मिक्स विद सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, नेक्स्ट लाइन में सॉल्यूशन इज इक्वल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है देखिएगा,
फॉर डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूट। देखिए लेस अमाउंट में 10 ml H2SO4 है तो सॉल्यूट हो जाएगा कितना, 10 ml, तो सॉल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, ये आपके पास 90 ml हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 90 + 10 इज इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास, 100 ml पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा सॉल्यूशन का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो इट मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपके पास गिवन आपको 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने दोनों को ऐड कर लिया, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया था तो सॉल्यूशन आपने 100 ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट, देन यू विल गेट योर आंसर 10%। क्लियर? ओके स्टूडेंट, आपको आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग हुए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया बेटा फिर से आप पूछिएगा एनी क्वेश्चन एनी डाउट। क्लियर नॉट, आप रिपीट कीजिए एक बार नहीं 10 times पूछिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर आपको ग्रुप में पूछने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए कि मैम उनको क्वेश्चन नंबर ये नहीं आया, आप दोबारा बता दीजिए। ठीक है, हम आपको फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन दे सकते हैं कि सॉल्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्लियर, तो सॉल्यूशन इज इक्वल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में आपको एक बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ इतने भी नहीं है बेटा कि आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत हो सकती है मानते हैं। ठीक है, 10 ml ऑफ H2SO4 मीन्स लेस अमाउंट में है तो आपने सीधे सॉल्यूट कह दिया, 90 ml ऑफ वाटर है तो 90 क्या है आपके पास सॉल्वेंट होगा लार्ज अमाउंट में है। सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों का एडिशन होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो सॉल्यूट आपको लेस अमाउंट में 10 दिया था जबकि आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा क्योंकि दोनों को ऐड करके आया, 100 से 100 कैंसिल आउट, 10% आपका आंसर। क्लियर, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। नाउ सब्सक्राइब इट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। Press the bell icon to get latest update.